कौन सा फाइलम है ये? सिक्स्थ। एनेलिडा तो है ही। एनेलिडा तो हम लोग क्यों एनेलिडा बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एनुलर स्ट्रक्चर एक होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए उसका नाम है एनेलिडा। इनके ऊपर सेगमेंट्स होंगे, इनको रिंगवर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं, रिंगवर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म्स ज्यादा करके, या ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एक्वाटिक भी होंगे, एक्टोपैरासाइट मतलब किसी के ऊपर फीड करेंगे, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपना अपना रहेंगे, ठीक है। बरोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है उसके अंदर घुस के रहेंगे लोग, ठीक है। जैसे बारिश होती है, देखो अर्थवर्म बाहर आता है ना, अर्थवर्म दिखते अपने को बारिश में, तो मॉइस्ट जब बहुत गीला हो जाता है तो वो लोग बाहर आते हैं। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या नाम है उसका? लीच, जोंक है ना, लीच। बायलैटरल सिमेट्रिकल, उनका जो सिमेट्री कैसा है, बायलैटरल है, बीच से ऐसा फाड़ेंगे तो आधा आधा इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन थ्रू आउट बॉडी पे सेगमेंट्स होगा, ठीक है। क्लाइटेलियम एक स्ट्रक्चर होता है इनके ऊपर, जैसे ये है अर्थवर्म, यहां पे से पैच रहेगा, बाकी जगह सेगमेंट्स रहेंगे, यहां नहीं रहेगा। इस पैच को बोलते हैं क्लाइटेलम। ये क्या करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो हर्माफ्रोडाइट है ना, तो दोनों सेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। लोकोमोशन कैसे कर रहे हैं, मूवमेंट कैसा है उन लोग का, जो लोकोमोशन है उसमें दो मसल्स काम कर रही है उनकी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल, ठीक है। अंदर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी होंगे, समझ रहे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी होंगे और उसके ऊपर सर्कुलर भी होंगे, समझ रहे। तो इसीलिए सर्कुलर मसल्स की वजह से इसमें सेगमेंटेशन दिखता है। तो दोनों मसल्स का यूज करेगा लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट के लिए, जब भी यहां से वहां जाना होगा तो इन दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो वो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो लोग कैसे और मूव करते हैं, तो अर्थवॉर्म में सीटे नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीटे। नीरीज जो होता है उसमें पैरापोडिया होता है, पैरा मतलब पैरेलली लेग्स जैसे थोड़े से होते हैं, लेग नहीं है बट लेग जैसे होते हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया था किडनी वाला पार्ट है ना, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, तो वैसे ही पैरापोडिया। सकर्स, अभी यहाँ पे पैर वैर है नहीं है, एक स्यूडो टाइप, एक झूठा पैर बोल सकता है वैसा है। सकर्स जो लीच होते हैं उनको ना पैरापोडिया है ना सीटे है, तो मूवमेंट कैसे करेंगे, सकर्स के थ्रू, मतलब ऐसे यहां पकड़ लेंगे ऐसे, है ना, तो पूरा बॉडी उठाएंगे, पूरा बॉडी उठाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये सकर है यहाँ पे, जैसे चिपक सफर चिपक गया, फिर ऐसे हो जाएंगे बराबर, फिर इधर बॉडी को छोड़ देंगे और सकर को छोड़ के देखा मूवमेंट, देखा गया ना आगे, तो ऐसे लोग मूव कर दे सकर के थ्रू, समझ गया। लीच, इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट है, मतलब इंटेस्टाइन पूरा अच्छा खासा इनका है, माउथ टू एनस, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज लोग ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, बॉडी वॉल के थ्रू, ठीक है। जो इनका स्किन होगा उसी से लोग रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप है, ठीक है, जैसे अपने बॉडी में क्लोज टाइप है, ब्लड वेसल्स है, वैसे इनमें भी क्लोज टाइप होगा। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन कहाँ होगा, नेफ्रिडिया, एस्केल्मिंथ में किससे था, प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ पे थोड़ा ऐसा अलग स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा इंटेस्टाइन के पास, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रिडिया। नर्व रिंग होगा इनके पास नर्वस सिस्टम में, ब्रेन मतलब हेड में नर्व रिंग होगा ऐसा, ठीक है, समझ नहीं है। तो इसमें ना नर्व रिंग होगा ऐसे, समझ रहे, ऐसे कहां पे, वेंट्रल साइड नीचे की तरफ। अपना यहां पे क्या है, हार्ट है, वेंट्रली हार्ट है और डॉर्सली नर्व, नर्व जो कॉर्ड है अपना
डॉर्सल है, बट यहाँ पे उल्टा है, समझ रहा है? नीचे वेंट्रल साइड क्या है? नर्व गॉड, ठीक है? तो नर्व रिंग होगा हेड में और बाद में वो नर्व ऐसे आएगा, ठीक है? तो हर सेगमेंट में क्या होगा? गैंग्लियॉन्स होंगे, समझ गया? गैंग्लियॉन बंडल ऑफ नर्व फाइबर, नर्व सेल्स होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे तो गैंग्लियॉन बोलते हैं, समझ गया? तो नर्व जो है वेंट्रली प्लेस्ड है, हेड में नर्व रिंग है और सॉलिड होता है, कैसा होता है? सॉलिड, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। इन सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? दोनों एक ही में प्रेजेंट है, समझ रहे हैं? हाँ, उसको क्या बोला? हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या है? मोनोइशियस, मोनो मतलब एक में ही दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है? सम आर डाइशियस, कुछ कुछ डाइशियस भी होते हैं, जैसे नीरीज का एग्जांपल है। क्या है नीरीज? नीरीज क्या होता है? डाइशियस भी होता है, समझा? क्लियर है?